वेलकम गाइस, स्वागत है आपका VMS में। जैसा कि मैं आपको जो भी लॉट्स दिखाता हूँ वियतनाम वाइड के रिगार्डिंग, वैसे ही आज मैं और दो तीन लॉट्स लेके आया हूँ जो आपके सामने मैं अभी बताऊँगा। जैसा कि आप अभी ये देख सकते हो, ये लॉट मैं आपको बता दूँ, इसके डायमेंशन पहले आपको बता दूँ, ये 3x3 का पूरा लॉट है और ये काफ़ी एकदम क्लीन मटेरियल है। इसमें आप देख सकते हो एकदम बारीक क्रिस्टल में ये है, ये वाला मटेरियल है, आप देखिए एकदम बारीक क्रिस्टल में ये मटेरियल है और काफ़ी हार्ड मटेरियल है, आप देख सकते हो एकदम हार्ड मटेरियल है। तो इसमें मेरे पास करीबन 800 फुट मटेरियल अभी अवेलेबल है। ये लॉट्स उतरा हुआ है अभी दो दिन पहले ही, और दूसरा और एक लॉट है वो भी मैं आपको बता दूँ। जैसे कि ये है 48x40 का पूरा एक लॉट है, ये भी एकदम क्लीन मटेरियल है, आप देख सकते हो ये भी एकदम बारीक क्रिस्टल में है और ये हार्ड मटेरियल है। वियतनाम वाइट की खासियत में हर बार आपको बोलते रहता हूँ कि जितना बारीक क्रिस्टल रहेगा उतनी उसकी हार्डनेस ज़्यादा रहती है और हार्डनेस के साथ साथ उसकी चमक भी उतनी अच्छी आती है। आप गाइस देखिए, अभी ये भी एक मटेरियल है, ये भी वियतनाम वाइट में है लॉट। मैं आपको इसका पॉलिश लैब भी दिखा दूँ, आप देखिए इसमें रिफ्लेक्शन, देखिए आप इसमें रिफ्लेक्शन किस तरीके से दिख रहा है आपको, देखिए आप देख सकते हो पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। और आप ये स्लैब देख के आपको समझ आ गया रहेगा कि वाइटनेस कितनी अच्छी है इसमें। ये पूरा लॉट सिमिलर है और इसमें करीबन मेरे पास 1200 फुट मटेरियल अवेलेबल है। गाइस वियतनाम वाइड में काफ़ी लॉट्स छोटे और बड़े मेरे पास आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और जैसा कि ये एक दूसरा लॉट है जो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये भी ये लोकल लॉट है, आप देखिए ये है 5x5 में ये लॉट मेरे पास अवेलेबल है, आप देख सकते हो इसकी भी वाइटनेस बहुत ही शानदार है और इसमें भी इतनी अच्छी पॉलिश बैठेगी, देख सकते हो आप। और ये जो भी मटेरियल मैंने आपको बताया, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ 17 mm में ये मटेरियल प्रोसेस है, देखिए गाइस। तो गाइस इस टाइप के काफ़ी और भी मटेरियल मेरे पास आते रहते हैं, जैसे जैसे आते हैं मैं आपको वीडियो अपलोड्स करते रहता हूँ। लेकिन ख़ास बात ये है कि आप कोई भी लॉट्स देखते हो उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो कितने दिन तक वो मटेरियल मेरे पास रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ विद इन 15 डेज में ये मटेरियल सब चले जाता है, मतलब क्लाइंट्स आके लेके जाते हैं। तो आप सोचिए कि मटेरियल कितना अच्छा है और इसकी बिक्री भी कितनी अच्छी है, मतलब ये फ्लोरिंग पर्पज़ में आप ये मटेरियल को लगा सकते हैं, वॉल एलिवेशन में भी आप लगा सकते हो, अगर किसी को मंदिर एरिया है वहाँ पे आप लगा सकते हो, मंदिर के लिए ये पत्थर बहुत ही अच्छा है और इसकी वाइटनेस भी बहुत अच्छी है। तो गाइस इस टाइप के मेरे पास काफ़ी मटेरियल है, अगर इस टाइप के मटेरियल की आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे बताइए आपको ये सब लॉट्स कैसे लगे। अगर इस लॉट की आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे, फेसबुक पे और ट्विटर पे भी आप मुझे देख सकते हो, मैं उसमें भी आप मेरे जो भी इमेजेस है स्लैब्स के, जो भी वीडियोस है मैं वो अपलोड करते रहता हूँ, तो आपको वहाँ पे भी अच्छी बुरी रेंज देखने मिल जाएगी वाइट के रिगार्डिंग। और भी काफ़ी मटेरियल्स है जो मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, थैंक यू वेरी